Hi guys, welcome to the Learning English. This is the Jitin Kumar. Today I will teach the English grammar. The topic is pronoun. What is the pronoun? Pronoun is a word that is used in the place of the noun. We use the pronouns to avoid the repetition of the noun. हम pronoun का use क्यों करते हैं? यानी हम pronouns का use इसलिए करते हैं ताकि हम नाउन के रिपीटेशन यानी कि रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं. लुक हियर द सेंटेंस. निशांत लव टू वर्क. निशांत इज एफिशिएंट बिकॉज निशांत इज द हार्ड वर्किंग. निशांत वर्क इज एक्सेलेंट. हियर निशांत इज द नाउन. निशांत इज द नाउन. निशांत इज द नाउन एंड निशांत वर्क इज द नाउन. They are all the noun, but when we write the any sentence, first time we use the noun. And in first sentence we write the noun. Here, Nishant loved to work. Here, this is the noun. Nishant is the noun. And second sentence, we are repeat the same word, noun. So we use the pronouns to avoid the repetition of the noun. Here he and he and his work. तो आपने देखा यहाँ पे हम बार बार नाउन से बचने के लिए हम निशांत की जगह पर ही का यूज किए क्योंकि निशांत एक व्यक्ति है, एक पुरुष है और हम एक व्यक्ति या एक पुरुष के लिए हम ही का यूज करते हैं. नाउन के स्थान पर हम ही का यूज करते हैं. तो यह फर्स्ट सेट जो आप देख रहे हैं द फर्स्ट सेट ऑफ द सेंटेंस साउंड रिपीट यानी साउंड रिपीट के सेट हैं. व्हेन वी स्पीक वी डू नॉट वांट टू कीप द रिपीटिंग नाउन. और हम यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में उस नाउन के रिपीटेशन से दूर रखने के लिए हमने क्या किया है? वी यूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन यानी हमने नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया है. नेक्स्ट देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडिफिनिट प्रोनाउंस. लेट्स स्टडी द पर्सनल प्रोनाउंस. व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउंस? We use the personal pronouns in the place of the people that we are talking about. हम यानी कि व्यक्ति लोग के स्थान पर personal pronouns का यूज करते हैं. That we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. We use the first person. There are three categories. यानी हम personal pronouns को तीन category में बांटते हैं. फर्स्ट है पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इन द फर्स्ट पर्सन वी यूज़ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई एंड वी टू स्पीक ऑफ आवर सेल्फ यानी खुद बात करने वाला. फर्स्ट पर्सन के जो कैटेगरीज में आते हैं वह खुद के बात करने वाले व्यक्ति होते हैं जैसे आई एंड वी. लुक द एग्जांपल. आई we this is the they are the first categories. They are the first person. And in the second person you is used to address the person we are speaking to. The second person ka jo pronouns hai woh hai you ko yani ki person ke ko addressing karne ke liye prayog kiya jata hai. We are speaking to jisse hum baat kar rahe hain. आप यहाँ पे यू को देख सकते हैं. यू यहाँ पे सिंगल है. इन द सेकेंड पर्सन में केवल एक ही वर्ड होता है यानी कि यू और उसके कैटेगरीज यू एंड योर्स. यू मस्ट टेल मी व्हाट यू थिंक. तो यहाँ पे यू यानी कि सेकेंड पर्सन हुआ. एंड थर्ड पर्सन. द थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे आर यूज्ड व्हेन वी आर टॉक ऑफ एनीबॉडी आर एनी थिंग एल्स.
जब हम थर्ड पर्सन में ही आते हैं, सी आते हैं, इट, दे आर यूज इन द सिंगुलर एंड दे आर यूज इन प्लूरल, और दे का प्लूरल में यूज करते हैं, जिसमें कि हम थर्ड पर्सन में किसी के बारे में या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल, ही लुक्स हैप्पी, टेक दिस नाइफ, इट, द किचन. तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, ही और इट. एंड द वेरियस पर्सनल प्रोनाउंस आर यूजेस बिलो. हम आपको यहाँ पे चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे कि फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पॉजिटिव प्रोनाउंस. दे आर द पर्सनल प्रोनाउंस. ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस के कैटेगरी में आते हैं. आई, वी, मी, अस एंड माइन. ये आपका फर्स्ट पर्सन है. सेकंड पर्सन यानी कि यू, यू एंड योर्स, ये सेकंड पर्सन में आते हैं. और थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स. ये आपके थर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन में आते हैं. अब हम देखते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट, ये फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं, ये दे आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. इनका हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं. दे कम्स बिफोर द वर्ब, और ये वर्ब के पहले आते हैं. जैसे आई, वी, आई का यूज हम यानी कि सिंगुलर में करते हैं और मेल फीमेल दोनों के लिए करते हैं. वी का यूज हम प्लूरल में करते हैं और मेल फीमेल दोनों के लिए करते हैं. एंड सेकंड पर्सन यू, यू का यूज सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में किया जाता है और मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है. और थर्ड पर्सन में हम देखेंगे ही सिंगुलर और मेल के लिए, सी सिंगुलर फीमेल के लिए, इट सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग के लिए एंड एनिमल्स के लिए. हालांकि इट जो है एक तरह से इंट्रोडक्टरी वर्ड भी है, जिसका हम इट यानी कि इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जिसका हम सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज करते हैं, या बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं. दे इन तीनों का प्लूरल होता है, जिसका हम यूज केवल प्लूरल में करते हैं, नॉट अ सिंगुलर, लेकिन यह मेल फीमेल दोनों के लिए किया जाता है. सेकेंड कैटेगरी है ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट कहाँ यूज कर किया जाता है? ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड आफ्टर द वर्ब. ऑब्जेक्ट का हमेशा यूज वर्ब के बाद किया जाता है, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम. इन इस कैटेगरी का यूज हम यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं. थर्ड में आते हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउंस. ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है. दे कम्स ऑलवेज सिंगल, इसके बाद कोई नाउन नहीं होता है. और यह जैसे यहाँ पे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, दे आर यूज एज अ पॉजेसिव प्रोनाउंस, और ये इसके बाद कोई नाउन नहीं होता है. तो ये आपके हमने पर्सनल प्रोनाउंस के सारे कैटेगरी आपको बताए. आई होप यू विल अंडरस्टूड. थैंक यू.